हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आरबीजे व्लॉग्स में और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और यस, आई एम सॉरी, मैं बहुत क्या दो महीने हो गया, शायद दो महीने पहले मैंने एक ब्लॉग शूट किया था और उसके बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। और तो उससे पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब बहुत उतराई रोड है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत स्टीपी रोड है। मैं गया नहीं हूँ कभी, मैंने सुना है। तो आज दो तीन दिन बाद मैं दमम या खोबर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं रियाद में हूँ तो वहाँ पर विजिट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसा है, जिसके बारे में मैंने सुना है। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ और मेरे साथ कुलीग्स भी हैं, वो भी जा रहे हैं। तो बस चलते हैं, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, वो भी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर, आपको भी दिखाते हैं। दूसरे लड़के तो आए नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ उनका, फिर चलते हैं। और यहाँ का मैं व्यू बताऊँ आपको, पहले भी मैंने कई बार दिखाया आपको, लेकिन अभी दिखाता हूँ मैं। आज मौसम थोड़े थोड़े बादल हैं और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। और ये मेरा अकोमोडेशन है, शायद आपने पहले देखा होगा। तो ऐसा ही है एक्चुअली, हमारी कंपनी का दूसरा रेस्टोरेंट है उधर अलखोबर में, खोबर में भी है, दमाम में भी है। तो अभी देखते हैं मैं कहाँ पर जाता हूँ, अभी वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, शायद मंडे को जाऊंगा मैं उधर। तो देखते हैं, आपको खोबर की सैर भी करवाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं वैन में और इधर है हमारे गुलराज भाई और इधर है हमारे भाई लोग, हम सब जा रहे हैं। रेडी? यस सर। ओके, लेट्स गो। बस अभी चल पड़े यहाँ से, अकोमोडेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, कितना मिनट, आधा घंटा लग जाता है यहाँ से, 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस जगह का नाम क्या है? मुजामिया। यहाँ से उतराई शुरू आगे से, चलो पहुंच गए, अभी देखते हैं क्या है, फिर भी काफी है। अभी काम भी चल रहा है इधर, नीचे सिटी आ गई, ये अलग सिटी, ये अलग सिटी आ गई। इतना सुंदर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा जितना उधर रियलिटी में, बहुत जबरदस्त है। अरे यार, बाहर खड़े थे थोड़ी देर। तो ये आ गए हम, आप पीछे देख सकते हो वो वाला रोड है। तो भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त जगह है ना, मेरे आइडिया से यहाँ पे कहीं कभी ना कभी तो ये नदी वगैरह होती होगी। तो ये देखो पीछे पहाड़ देखोगे आप, तो ये कट कट के इतना हो गया है, तो ऐसा है कुछ। मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त इस जगह है।
और इधर ये सनसेट भी हो रहा है। तो अभी तो थोड़ा रुक ले यहाँ पे, जो व्यू पॉइंट था यहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो फोटोज वगैरह ले लिए हैं, तो अभी चलते हैं। अभी इधर थोड़ा आगे जाके एक सिटी है, उसको देखते हैं उसमें क्या है, उधर क्या है, और बस ऐसे ही अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी पहुंचे हम इधर मजामिया सिटी में, इधर एक गली है उसमें खड़े हैं पीछे, और इसकी बैक साइड में एक मॉल है, हाँ पांडा हाइपर मार्केट है, और बाकी ऐसा व्यू है इधर का। सीरियसली जहाँ पे हम रुके थे ना पीछे, इतना अमेजिंग व्यू है और इतनी मस्त हवा चल रही थी ठंडी, और व्यू पॉइंट तो मस्त। अगर हम ऊपर पहाड़ी पे जाते ना तो और मज़ा आता, लेकिन पहाड़ी पे वहाँ थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने उधर से रोड ब्लॉक था इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन नीचे से मस्त व्यू आ रहा था। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना, मतलब कई साल पहले मेरे को लग रहा है ये कि यहाँ पर नदी वगैरह कुछ ना कुछ होती है। अभी तो सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, समुद्र है लेकिन नदी कोई भी नहीं है। तो अगर हो सकता है, मतलब श्योर नहीं है, लेकिन जैसे वो पहाड़ियाँ कटी हुई हैं ना, तो वैसे नीचे से ऐसा लगता है जैसे कोई पहले ना बहुत साल पहले वहाँ पर कोई ना कोई नदी रही होगी पक्का। और अभी जैसे मैंने बताया हम अभी मजामिया सिटी में, बस अंधेरा हो गया, अभी चलते हैं रूम पे। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, वो तो मार्केट है, ये आप देख सकते हो सुपर मार्केट है। एक्चुअली मेरे को रोटी लेनी है यहाँ पे, रोटी हम रूम पे नहीं बनाते, चावल वगैरह बनाना तो बना लेते हैं रूम पे, बाकी रोटी लेनी हो तो इधर सुपर मार्केट में फ्रेश रोटी मिल जाती है, तो बस वही लेने आ रहे। चलो चलते हैं अंदर। तो ये रोटी ले ली मैंने, ये रोटी है एक बॉल मस्त, दो रियल की है, चार रोटियाँ हैं और मतलब जम्बो साइज है, बड़ी वाली है, दो दिन के लिए हो जाएगी, आधार कार्ड के लिए लॉन्ग एक्सपायरी डेट होती है इसकी, मतलब दो दिन या तीन दिन चल पड़ती है, तो इनफ। कपड़े धोने के लिए एक सर्फ ले लेते हैं, सर्फ तो बड़ा है, तो ये अपने गिर बहादुर फ्रॉम नेपाल, चार पाँच साल हो गया आपको भी इधर है ना, छः साल होने वाला, इधर नहीं है, इधर है सोप, सोप आ गया ये, मेरे को लेना है कोई सब मिलेगा छोटा पैकेज में कोई, हाँ ये रहा ना ये वाला, एक एरिया ले लेते हैं छोटा, है 15 की, तो मैंने ले लिया एक ब्रेड और एक सोप, ऐसी काफ़ी बस हो गया। अभी चलते हैं, खाना बना है रूम पे जाके खाना खाएंगे फिर। तो फाइनली रूम में पहुंच गए हैं, और मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, ओके। तो फाइनली रूम में पहुंच गए, बस पैकिंग चल रही है क्योंकि दो दिन बाद मुझे जाना है कोबर, जैसा मैंने बताया दमाम जाना है, दमाम कोबर साथ में ही है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था मतलब एक लोकेशन थी, व्यू पॉइंट था जो मैंने सुना था उसके बारे में, तो आज जाके देखा भी अच्छा था। मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब यहाँ से 4 बजे, हाँ 4:30 बजे गए यहाँ से, अगर 3-3:30 बजे जाते ना तो और मज़ा आता। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जब ट्रैवल करूँगा यहाँ से दमाम और कोबर के लिए, तो उस वो भी ब्लॉग शूट करूँगा दो दिन बाद, तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।